किसी भी देश का विकास वहाँ की जो संसाधन है उनका कितना अच्छा उपयोग किया जा सकता है इस पर निर्भर करता है। भारत में प्राकृतिक संसाधन इतने अधिक हैं कि हम जो जल ऊर्जा है जो हाइडल स्टेशन से इतने अधिक बना सकते हैं कि भारत में ऊर्जा की कोई कमी नहीं रह जाएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार और अनेक ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कि दिन दिन भर लाइट नहीं रहती है और उसके कारण वहाँ सारे उद्योग बंद हो चुके हैं। तो ये जो ऊर्जा की समस्या है ये बहुत ही सोची समझी किसी षड्यंत्र के तहत निर्मित की गई है ऐसा लगता है, और उसको पूरा करने के लिए अभी भारत अमेरिकी परमाणु ऊर्जा का जो एक न्यूक्लियर डील हुआ है वो उसको काफ़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हमारे बीच श्री राघव शरण शर्मा जी हैं जो एक हाइडल पावर के बड़े भारी एक्सपर्ट हैं, इंजीनियर हैं, और आपने ज़िंदगी में अनेक बांध बनाए हैं और जो ऊर्जा परियोजनाएं हैं उसको भी संचालित किया। तो आपने पूरे भारत का जितना भी संसाधन है, खासकर जो जल का, जितनी नदियों में जल है, उसका बड़ा गहरा अध्ययन किया है, और ऊर्जा समस्या कैसे हल होगी इसके बारे में आपका गहरा समझ है, चिंतन है। तो आपसे पूछेंगे, हम पूछना चाहेंगे कि क्या भारत में जो आज विकास की दिशा में बहुत पीछे छूट गया है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ ऊर्जा की जो कमी है, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, इसकी कमी है और इसके कारण देशी उद्योग धंधे सब बंद हो गए हैं, कृषि बिल्कुल पिछड़ गई है क्योंकि पानी नहीं है। तो आप बताएं कि क्या इस समस्या का हल है और यदि है तो हम इस दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? कि हम लोग को बचपन से पढ़ाया गया है कि सारी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, लेकिन अगर एटलस को ठीक से देखेंगे तो जितनी भी बड़ी नदियाँ हैं सब हिमालय के पीछे से आती हैं। कोई भी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। ब्रह्मपुत्र भी हिमालय के पीछे से, सतलज भी हिमालय के पीछे है, सिंधु भी हिमालय के पीछे है, गंगा की शाखा अलकनंदा है हिमालय के पीछे से है, मानादरा से निकलती है, जंस्कर रेंज से। जितनी नदियां हैं, सुबनसिरी हैं, कोसी हैं, सब हिमालय के पीछे से आती हैं। हिमालय के पीछे से आने का मतलब यह है कि सारी नदियों का उद्गम 18,000, 20,000, 22,000, 23,000 के ग्लेशियर पर है। और मुश्किल से 30 माइल चलने के बाद कम से कम 10,000 फीट का ड्रॉप है, वर्टिकल ड्रॉप, बिल्कुल ड्रॉप है। नमचा बरवा में 8,000 फीट का ड्रॉप है। बद्रीधाम से हम 3 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, बद्रीधाम 10,000 हाइट पर है, माना 12,000 हाइट पर है, 2,000 फीट का ड्रॉप है। 5 किलोमीटर नीचे उतर जाते हैं, पांडुकेश्वर 6,000 हाइट पर है, 4,000 फीट का ड्रॉप। तो अकूत हाइड्रो इलेक्ट्रिक हमारे पास है, अकूत, जिसका ठीक से आकलन भी अभी ना हुआ है, लाखों मेगावाट है। अब इतनी सुलभ और सरल नेचुरल चीज़ को हम क्यों छोड़ रहे हैं और हम बाहर से डीजल यूरेनियम पर निर्भर है? तो अब इसमें तो सरकार के मनसा पर, नियत पर शक होता है कि ये जान के विदेश से गिरवी रखना चाहते हैं या विदेशी महाप्रभु जैसा ऑर्डर करते हैं यहाँ के लोग मानते हैं। दूसरा, हमारे पास थार का मरुभूमि है जिसमें थर्मो इलेक्ट्रिसिटी है, अकूत इनर्जी है, हम उसको टच भी अभी तक न किए हैं। 14,000 किलोमीटर समुद्री सीमा है, नगण्य, थोड़ा बहुत तिरुल वैली के बगल में थोड़ा सा विंड एनर्जी के काम है, लेकिन नगण्य है, न के बराबर है। तो अकूत विंड एनर्जी हमारे पास है, उसका पूरा दोहन हम नहीं कर पा रहे हैं। इसी ढंग से इंटेप्ट मिथन हमारे पास कार्बोमंडल में है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, उसको अभी हमने छुआ भी नहीं है। सोलर एनर्जी है हमारे पास, 8 महीना सूरज के रोशनी तपता है, तो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी के भारी स्रोत हैं। ये नदियां हैं सब पहाड़ियों से निकलती है, विंध्याचल से, और 30-40 मील चलने के बाद वो मैदान पकड़ लेती है। तो सारी नदियों में वर्टिकल ड्रॉप है और भारी, यहाँ जबलपुर में बैठे हम लोग बात कर रहे हैं,
नर्मदा नदी जहाँ से निकलती है 5 माइल नीचे उतरते हैं तो 180 फीट का फॉल है, लेकिन किसी ने टरबाइन लगाने की बात नहीं सोची। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि हम अपने ही चीज़ को छोड़ रहे हैं और विदेश के मुखापेक्षी बने हुए हैं। हम 65 के वार में जीत रहे थे पाकिस्तान से, लेकिन अमेरिका ने तेल बंद कर दिया तो हमको झक मार के ताशकंद समझौता करना पड़ा। उसी के तेल से लड़ाई होता, टैंक चलता, हवाई जहाज उड़ता। तो हम इतने डिपेंडेंट हैं विदेश पर, और क्यों डिपेंडेंट हैं अब एक रहस्य की बात है। नियत पर शक होता है रूलिंग क्लास के, रूलिंग पार्टी के। तो हम फिर क्यों परमाणु डील के पीछे दौड़ रहे हैं, चेर्नोबिल में या जापान में, जिसके विनाशकारी प्रभाव देखने में आए? तो जानबूझ के हम मौत को क्यों गले लगा रहे हैं? जब नहीं रहता, मरता क्या न करता, तो बात समझ में अटती। लेकिन आज हमारे पास दुनिया भर के विकल्प हैं, उन पर क्यों नहीं हम चल रहे हैं, सवाल तो अब है। और इससे लगता है कि हमारी सरकारें जो हैं वो जनता के पक्ष में नहीं है, विदेशियों के गुलाम हैं। उन्हीं के मर्जी से सरकारें बनती बिगड़ती है। यह विश्वास करने का कारण है कि थर्ड वर्ल्ड के जिस लीडर में ने भी साम्राज्यवाद के खिलाफ है जरा सा खड़ा होने की कोशिश किया है। बर्मा में देखिए अंग सोंग मारे गए, लंका में भंडार नायक मारी गई, प्रेमदास मारे गए, पाकिस्तान में लियाकत अली, जुल्फिकार अली भुट्टो, उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो मारी गई, लुम्बुम्बा मारे गए। तो जिसने भी भारत में भी लोग मारे गए, तो जिसने भी साम्राज्यवाद के खिलाफ जरा सा जुर्रत किया, मामूली उन्हीं के आदमी थे। कर्नल गद्दाफी भी उन्हीं का आदमी था, मुबारक शाह भी उन्हीं का आदमी था। लेकिन अमेरिका अपने आदमियों को भी डमाडोल रखता है, किसी को मजबूत नहीं होने देता है। तो यह शक होता है कि इसमें गहरा षड्यंत्र है। अब कोई ऐसा नेता या कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि जो साम्राज्यवाद के मुकाबला के लिए सोचे। तो यह कारण